हो गया बेटा, चलो फिर बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम। कौन चैप्टर है? चैप्टर 7, जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है जी, तो ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके लिए हम। और इससे पहले आपके लिए हम आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट हो चुका है। 6th इस बार के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम कराएंगे नहीं। और 11th चैप्टर हीरोइंस का फॉर्मूला, हीरोइंस का या हीरो का, ये भी हम कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेवन। क्या नाम है इसका? ट्रायंगल्स, त्रिभुज हैं। अब देखो, जब तक हमें ट्रायंगल के बारे में पता नहीं होगा ना, त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा भाई? फिर पता होना चाहिए ट्रायंगल के बारे में ना, ट्रायंगल है क्या। जी सर, हाँ जी, ये वहाँ से ऑन कर दे उसको, वहाँ से ऑन है बेटा, ऑन कर सकते हो वहाँ से आप। हाँ, उधर ही बैठ जाओ आप, उसके पीछे, हाँ उधर ही, वहीं पे आराम से। ओह, नहीं अगर ज़्यादा दिक्कत हो ना, अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, तो वहाँ उसके अगर यहाँ रात न मिले उसके नीचे बैठ जाना, उस पंखे के नीचे। क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या चीज़ है ना। ठीक है सर, चैप्टर 7 ट्रायंगल त्रिभुजे। ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है बेटा? त्रिभुज अगर बात करें, ट्रायंगल से पहले हमें समझना पड़ेगा, हमारे पास एक होता है पॉलीगन। क्या होता है? पॉलीगन, पॉलीगन जिसको बोलते हैं बच्चे, पॉलीगन। कोई हिंदी मीडियम का बच्चा यहाँ पर नहीं है ना, इसे बोलते बहुभुज, बहुभुज। पॉलीगन क्या है बेटा? पॉलीगन मतलब होता है कोई भी चीज हर जगह से बंद हो, थोड़ा ढकी हो हर जगह से, ऐसे क्लोज हो। पॉलीगन का मतलब होता है जो कोई भी फिगर क्लोज होने चाहिए। एक्चुअल में पॉलीगन का मतलब क्या है, मैं पहले आपको इसके एक डेफिनेशन दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि अ क्लोज बाउंडेड फिगर हैविंग एटलीस्ट 3 साइड्स। ऐसा क्लोज बाउंडेड फिगर, क्लोज बाउंडेड मतलब बंद, ऐसे ये कमरा है फिलहाल बंद है हर जगह से, ये कमरा फिलहाल हर जगह से बंद है, तो ऐसा फिगर जो हर एक जगह से बंद है और कम से कम 3 साइड होने चाहिए, क्योंकि आप 2 साइड की हेल्प से किसी भी चीज़ को बंद कर ही नहीं सकते। आप करो बंद, खुला है यहाँ से, चाचा जी यहाँ से घुस जाएंगे, लो ऐसे कर लो, 2 साइड, एक साइड ये, एक साइड ये भी खुला है। बंद करने के लिए लो साहब, तो बंद करने के लिए कम से कम क्या चाहिए, 3 साइड चाहिए। अगर हमें कोई भी फिगर बनाना है, अगर किसी को भी हम पॉलीगन बनना है, अगर कोई भी क्लोज फिगर बनानी है, बंद आकृति बनानी है, कम से कम 3 भुजाएं चाहिए ही चाहिए, 3 साइड चाहिए चाहिए। तो पॉलीगन में कम से कम 3 साइड होती है। अच्छा, 3 साइड वाला पॉलीगन, अच्छा ये भी पॉलीगन है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया अ क्लोज बाउंडेड फिगर हैविंग एटलीस्ट 3 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। आपको कौन सा मीडियम बेटा? मीडियम इंग्लिश आपका? चलो हरा, चलिए सर, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो डेफिनेशन थी पॉलीगन की। अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर छोटे मोटे बात करो, जैसे एग्जांपल ऑफ पॉलीगन में बात करो, एग्जांपल बोल सकते हो, ये टाइप बोलो, एग्जांपल ऑफ पॉलीगन की बहुभुज के उदाहरण, बहुभुज के, जैसे एक होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज, तो त्रिभुज भी तो पॉलीगन ही है। कैसे? 3 साइड होती है क्या? 3 साइड है, ये पॉलीगन नहीं है? है सर, पॉलीगन के लिए क्या, पॉलीगन कह रहा बंद होना चाहिए और कम से कम 3 साइड होने चाहिए,
तो पॉलीगन है तो ये, एक होता है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, है ना, यानी चार साइड आप कैसे बना दीजिए भाई साहब, समझ रहे हो आप कैसे बना दो आप, ऐसे 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 कैसे बना दो भाई, और आप ऐसे बना दो है तो चार साइड ही, बट कितनी साइड है, एक दो तीन चार, चार साइड है और चारों तरफ से क्या है, बंद है। उसने बोला था कम से कम तीन साइड होनी चाहिए, अब उसने ये तो नहीं बोला ज़्यादा ना हो, कम से कम तीन साइड तो होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तो चार साइड है, पॉलीगन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ऐसे हमारे पास पेंटागन, हेक्सागन, पेंटागन में हमारे पास होता है पेंटागोन, पंचभुज साइज को बोलते हैं पंचभुज, जिसकी पांच साइड होने चाहिए, जैसे हमने बोल दिया एक साइड दो साइड तीन साइड चार साइड पांच साइड, ये भी पॉलीगन है, ये भी बंद है, पंचभुज पंचमुखी है ना, जो भी है, तो ये भी एग्जांपल है पॉलीगन का। पर फिलहाल हमें तो इस चैप्टर में सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो हम बात करेंगे ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल भी अपने नाम में एक पॉलीगन है, क्योंकि पॉलीगन ऐसा फिगर होता है जिसकी कम से कम तीन साइड होती है और हर एक जगह से क्या होता है, बंद होता है। तो ये तो बात है, कुछ ऐसे ही हमारा पांच साइड वाला, छह साइड वाला, सात साइड भी होते हैं, आठ साइड भी होते हैं, नौ भी होते हैं, दस भी होते हैं, ठीक है। और फिलहाल ये तो एक मैंने आपको एक दो एग्जांपल समझाए, अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रायंगल की, ट्रायंगल की डेफिनेशन की, ट्रायंगल है क्या, तो ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं बेटा, ठीक है। ट्रायंगल को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ट्रायंगल की डेफिनेशन, आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा ट्रायंगल की डेफिनेशन, ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की परिभाषा, एनीबॉडी, क्लोज बाउंडेड फिगर हैविंग ओनली थ्री साइड, चलिए ठीक है, सही बोला, सिंपल बोल दे भाई ने, कह रहे ऐसा बाउंडेड फिगर जिसकी तीन साइड हो, या अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा पॉलीगन जिसकी तीन साइड होती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो अ पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स, अ पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स इज कॉल्ड क्या बेटा, इज कॉल्ड ट्रायंगल, उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अ पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, ऐसा पॉलीगन जिसकी क्या होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, उसे बोलते हैं हम त्रिभुज, इसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है सर। अब अगर ये ट्रायंगल हो गया तो क्या इसके कोई टाइप, कुछ क्या इसके कोई टाइप्स होंगे, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिलेगा, ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिलेगा, देखो बेटा ये मान लो ए बी सी नाम को कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा, हमें तीन साइड होंगी, एक दो तीन, थ्री साइड क्या होंगी, इसमें थ्री साइड्स हमें देखने को मिलेगी, तीन भुजाएं होंगी इसमें, भुजाओं के नाम क्या क्या है, एक का नाम है ए बी, एक का नाम है बी सी और एक का नाम है ए सी, तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हमारे पास, चलिए उसके बाद तीन एंगल भी हैं, तीन कोण एंगल, तीन एंगल भी है, कौन सा है? जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीन एंगल भी है और तीन वर्टेक्स भी है, वर्टेक्स मतलब जिसको बोलते हैं सीड्स, तीन वर्टेक्स भी है। देखो एंगल तो अंदर से दिखता है, एंगल तो अंदर से बनता ही है ऐसे,
एंगल तो अंदर अंदर से बनाना ये, पर वर्टेक्स बाहर से, जो उसकी चोंच है, जो उसकी चोंच है ऐसे यहाँ पर ना, ये जैसे ऊपर ये जो है ये वर्टेक्स है। तो कितने वर्टेक्स हैं, कितने सीड्स हैं, जैसे मान लो ये है, ये यहाँ पर टॉप पेन है, इसके दो किनारे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इसके इसके तीन वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स ए, एक वर्टेक्स बी और एक वर्टेक्स सी। इसके तीन वर्टेक्स हैं ए बी सी। बताइए जितना अभी मैंने आपको बताया है, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है नहीं है कुछ आना स्पर्श आपका एनीबॉडी? तो अगर दिक्कत नहीं है तो अभी मैं इससे आगे बताऊंगा, इतने में इसको राइट डाउन कर लो आप जल्दी से। आप जरा बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार, कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखो तो ट्रायंगल्स को बेसिकली दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ट्रायंगल्स को, त्रिभुजों को दो मेन मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। एक बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एक साइड के हिसाब से, एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स मतलब कोणों के आधार पर, एंगल्स के बेस पर। जैसे कि एक क्लास है, मान के चलो मैं क्लास को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, जैसे मान लो मैं क्लास को एक तो ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे मैंने कहा जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो इस साइड बैठे, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो इस साइड बैठ जाएं। तो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल के बच्चे मैंने डिवाइड कर दिए, एक तो मैं क्लास को ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, एक में डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ बॉयज़ एक साइड और गर्ल्स एक साइड, बॉयज़ एक साइड बैठेंगे, गर्ल्स एक साइड बैठेंगे, ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ क्लास को। एक तो मतलब बॉयज़ गर्ल्स के बेस पर, मतलब एक जेंडर के बेस पे और एक स्कूल के बेस पे। एक मैं बोल सकता हूँ कि जिन्होंने वाइट कलर का मास्क पहना, वाइट कलर का सफ़ेद रंग का, वो यहाँ बैठ जाए, और जिन्होंने वाइट कलर के अलावा अदर रंग का पहना है वो इधर आ जाओ। तो तरीके हैं डिवाइड करने के, ऐसे सॉरी ब्लैक एंड हाँ अच्छा जैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं चेयर को डिवाइड करना है, मैंने कहा चेयर इस साइड वाइट चेयर रख दो, उस साइड ब्लैक चेयर रख दो, या मैंने कहा जो साफ चेयर है उनको इस साइड, जिन चेयरों पर धूल है उनको यहाँ रख दो, ऐसे ही। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अगला ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पर साइड के बेसिस पर जो ट्रायंगल होते हैं, हमारे तीन ट्रायंगल होते हैं साइड के बेसिस पर, भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमारे तीन ट्रायंगल होंगे। एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में समबाहु त्रिभुज। सेकंड होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा बोलिए कौन सा बताएं आपको, स्केलेन बताएं या आइसोसेलेस ट्रायंगल। इनके बारे में बताएंगे पूरा, हम समझाएंगे अभी वन बाय वन। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पर भी
कोणों के आधार पर भी हमें तीन टाइप्स के एंगल होते हैं, तीन टाइप्स के। पहला हम बात कर सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। अगला राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, हिंदी वाले बच्चों के लिए। अगला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अभी एक्चुअल में होते क्या हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में क्या खासियत है, चलिए सर बात करते हैं वन बाय वन। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है सर? कैसे लिखें फिगर, यहां बना देता हूं मैं ना, यहां पर फिगर। एक त्रिभुज है, इसका नाम है एबीसी। मैंने एक बनाया त्रिभुज, इसका नाम है एबीसी। और इसकी मान लो ए बी साइड है 5 सेंटीमीटर की, ए सी साइड ये भी 5 सेंटीमीटर की है, और बी सी साइड ये भी 5 सेंटीमीटर की है। तो बेटा अगर यहाँ पर एक बार मैंने कॉमा लगाया, डंडा लगाया, यहाँ भी एक बार लगाया, यहाँ भी एक बार लगाया, इसका मतलब तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो यानी जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड एक जैसी होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक जैसी होती हैं, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, है ना। हो सकता है मैंने यहाँ 5 5 5 बोला, हो सकता है इसके साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये हो सकता है इसके साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो, ऐसे हो सकते साइड। यानी जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहली बात, इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खासियत ये तीनों साइड होगी इक्वल। और एक और प्रॉपर्टी है, कोई बताएगा? वो भी इक्वल होंगे, सही कहा तूने। आप बताओ, इक्वल तो होंगे पर थोड़ा सा, कोई बच्चा? सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री तो आता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, पर हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो खासियत होती है, दो प्रॉपर्टी होती है, सारे साइड इक्वल होंगे और हर एक एंगल होगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। हम बोल सकते हैं अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स, ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक जैसी होती हैं उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। और हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री का, मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये हो गया हमारे पास। समझ रहे हैं आप सर? कोई दिक्कत है? नहीं दिख रहा वहाँ से? मैं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये दिख रहा है ना। चलिए कोई, ये सेकंड क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड में क्या, देखो बेटा सेकंड में हमारे पास क्या है, इसका सेकंड इक्विलेटरल ट्रायंगल बात करें स्केलन ट्रायंगल की, स्केलन ट्रायंगल की नहीं, स्केलन आइसोसेलेस,
आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं एक जैसे होते हैं। समद्विबाहु, सम मतलब समान, आपने हिंदी तो पढ़ी है ना, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। इसको देख कर लग रहा कोई राक्षस होगा, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, राक्षस ना ऐसे लग रहा है। ठीक है, आइसकेलन ट्राइंगल, यानी कि स्केलन बोले तो समद्विबाहु, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सिर्फ दो साइड इक्वल होती है, बस दो साइड, जैसे हमने कहा ए बी साइड 5 सेंटीमीटर की और ए सी साइड 5 सेंटीमीटर की, तो बी सी साइड कुछ भी हो सकती है, ये 4 सेंटीमीटर की हो सकती है, ये 6 की हो सकती है, जैसे मैंने मान लिया बी सी साइड 6 सेंटीमीटर की है, तो ये ए बी सी ट्रायंगल हमारे लिए क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ए बी सी हमारे लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्यों? क्योंकि इसकी सिर्फ दो साइड इक्वल हैं, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। जिस ट्रायंगल की, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल होती हैं, उन्हें बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो खासियत है, एक तो उसकी दो साइड इक्वल होती है, जैसे मैंने यहाँ लगाया, यहाँ कॉमा लगा दें, दोनों इक्वल हैं, इस पर भी सिंगल कॉमा, इस पर सिंगल कॉमा, यानी दोनों इक्वल हैं, और इस पर डबल कॉमा है, यानी इनका जैसा नहीं है। सिंगल कॉमा क्या क्या दिखा रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं, हो सकता है ये दोनों 600, ये भी 600, ये 5 हो जाए, कोई बच्चा बोले ऐसा नहीं हो सकता भैया कि ये 5 हो जाए ये 6 हो जाए, दोनों 5 5, ये 6 हो सकता भाई, हो सकता, बस कोई भी दो साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक खासियत मैंने आपको बता दी है कि इसकी दो साइड इक्वल है होती है, एक और होती है किसके दो एंगल इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, दो एंगल इक्वल होंगे, पर वही दो एंगल इक्वल होंगे जिनकी साइड क्या इक्वल है, तो कैसे पहचानना है सॉरी, जैसे अगर ए बी साइड किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो ध्यान दो बेटा, ए बी साइड ए सी के बराबर है, तो ए बी के सामने वाला एंगल अपोजिट एंगल, ए बी का हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मुख कोण, सम्मुख, इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट एंगल, ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन है, सी, नहीं ए बी साइड का जस्ट सामने एंगल, सामने टनन ऐसे, ये एंगल है ये। अब क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है, इनको देखना हमें, ए सी साइड का सामने का एंगल कौन है, बी, तो एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा, यानी एंगल सी एंगल बी के बराबर भी माना जाएगा इसमें। जैसे मैं आपको एक और बता दूं एग्जांपल, अगर मान लो अगर कोई आपको बोल दे एग्जाम में ए बी, मान ली कुछ पी क्यू आर नाम को मैंने ट्राइंगल लिया, उसमें पी क्यू साइड और क्यू आर साइड इक्वल है, तो अगर पी क्यू साइड और क्यू आर साइड इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये हमारे लिए हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल हैं। अब अगर हमें ये पूछा जाए इसके कौन से दो एंगल इक्वल हैं, कौन से दो एंगल इक्वल हैं, मिश्रा जी आप बता सकते हो कौन कौन से दो एंगल इक्वल होंगे इसके, कौन से, आर और, आर और, जैसे यहाँ पर बी और सी इक्वल थे, दोनों बराबर थे, मतलब अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री का, अगर ये 70, अगर ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री का, तो ऐसे इनमें कौन से दो एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यू आर क्या नाम बेटा आपका, ये सही बोल रहा है ये कि क्यू आर इक्वल होंगे, हाँ कौन से, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर है, पी और आर होंगे। देखो बैठे बैठे कैसे, देखो देखो देखो, पहले क्यू आर, क्यू आर किसके, अच्छा यदि हमें क्योंकि इन दोनों को देखना, बस ये इक्वल नहीं है, इसको छोड़ छोड़ दो, क्यू आर के सामने वाला एंगल कौन है, जस्ट सामने वाला पी,
और पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन है? आर। ये दोनों बराबर होंगे। जी भैया यस, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा और क्या। यस जी चाचा, चाचा जी आप बताइए, अगर जैसे एक्स एक्स जेड साइड वाई जेड साइड के इक्वल है तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? चाचा जी नहीं कोई नहीं, आप ऐसे बताइए। नहीं, अगर साइड एक्स जेड और वाई जेड साइड इक्वल हैं कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? शांत रहिए। हाँ जिस तरह बेटा यहाँ पर B और C इक्वल थे, यहाँ पर P और R इक्वल आ गए थे, ऐसे यहाँ पर दो इक्वल हो गए ना, दो तीन थोड़े ना हो जाएंगे। आप तो जोड़ा बता रहे हो एक्स और जेड, इस पर एक्स और वाई, भाई कह रहा है बिल्कुल एक्स और वाई, क्योंकि एक्स जेड के सामने वाला एंगल कौन सा है? एक्स, और क्योंकि ये इक्वल था ना, ये भी इक्वल है, और अच्छा सॉरी वाई जेड के, वाई जेड के सामने वाला एंगल एक्स है, और जबकि सॉरी जबकि एक्स जेड के सामने वाला एंगल कौन सा है? वाई। तो एंगल एक्स किसके बराबर होगा? वाई के। एंगल एक्स किसके बराबर होगा? वाई के। एंगल वाई के बराबर होगा। कहा समझे? समझिए समझ गए पक्का सही में। चलिए यहां लिखना है अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स, अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल लेंथ, a triangle having two sides are equal length is called, isosceles triangle। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, नहीं उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु। और इंग्लिश में a triangle having only two sides are equal length is called isosceles triangle। ये हो गया हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। अब बात किसे करेंगे बेटा? हम स्केलन ट्रायंगल की। हिंदी में से क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, है ना। विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल के बारे में अगर देखें क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड एक जैसी थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड एक जैसी थी, यहां पर कोई साइड एक जैसी होगी नहीं। स्केलन ट्रायंगल मतलब कोई भी ट्रायंगल, मान लो जैसे मैंने कहा ऐसे कहा, इसका मतलब तीनों अलग अलग होगी। अगर तीनों पे इसमें एक कोमा है, इस पर दो कोमा है, इस पर तीन कोमा है, तो तीनों साइडों की लंबाई क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे मैंने कहा ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर और ये साइड है 3 सेंटीमीटर। एक तरह का देखने में क्या है? स्केलन ट्रायंगल है। क्यों? इसके तीनों साइडों की लंबाई क्या अलग अलग है, डिफरेंट है। कुछ बोल सकते हो आप? जैसे आपने कहा सर एक ट्रायंगल बन रहा है 5 6
5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए स्केलन ट्रायंगल है। क्यों? इसके तीनों साइड की लंबाई क्या अलग अलग है। तो अ ट्रायंगल हैविंग, अ ट्रायंगल हैविंग, क्या बोलोगे? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, कुछ बोलते हो ना। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, है ना। जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। बट कोई डाउट आपका, कुछ किसी कुछ पूछना है? एक मिनट, किसी बच्चों को डाउट लग रहा था सर थोड़ा समझा दो, ये नहीं आया थोड़ा सा? हाँ तो हो जाएगा, क्या करें अब? नहीं तो वो तो 60-60 तभी होगा ना, मतलब सिर्फ एक ही केस ऐसे बन रहा है। जब आई सुसलेस ट्रायंगल क्या बन जाएगा? इक्विलेटर बन जाएगा। बाकी केस में तो क्या रहेगा? वो आई सुसलेस ही रहेगा ना भैया। अगर वो तीनों एंगल उसके 60 बन जाए, दो 60 हैं और तीसरा भी 60 हो गई, तो उसको आप फिर क्या बोलोगे? इक्विलेटर ही बोलोगे ना फिर, बोल सकते हैं भाई हमने तो समझाया था क्या आईसोसेलेस, अब वो तीसरा एंगल भी इक्वल आ गया तो क्या करें? हमारे क्या गलती है? जैसे बच्चा कह रहा है कि भैया अगर ये एंगल 60 है और ये भी 60 है, लग रहे दो साइड बराबर, ये 60 है, करे फिर तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टीज है ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या आता है? 180 डिग्री आता है। तो कह रहे भैया फिर तो ये भी 60 हो जाएगा, हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। फिर कह रहे क्या बोलेंगे इसको? हमने इसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जब तीनों, जब तक दो एंगल हमारे सामने इक्वल थे तब तक तो हमने क्या बोला? आईसोसेलेस ट्रायंगल। अब तीसरा एंगल भी इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हो गए इसके, है ना। तीनों एंगल इक्वल मतलब तीनों 60 डिग्री के होते हैं। अब ऐसे मत बोलना कि भैया ऐसे नहीं हो सकते, अगर ये 70 है, ये एंगल भी 70 है, एंगल भी 70 है, बट ऐसे बोलेगा अरे कितना हो रहा है? 70 प्लस 70 प्लस 70 कितना हो रहा है? 210 हुई थी। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 आता है। क्या 180 से ज़्यादा आता है? क्या ज़्यादा आ रहा है? अरे ऐसे नहीं हो सकता, बर्ड कौन सा ऐसे। और कोई बच्चा कह रहा है, मिश्रा वगैरह कह रहा है, सर 50 प्लस 50 प्लस 50 नहीं हो सकता। अरे 50 50 50 करोगे? कभी खाने में ज़्यादा खा लेते हो क्या? कभी खाने में आधा रोटी खाते हो क्या? 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना होगा? 150। तो ट्रायंगल का तीनों एंगलों का सम 180 आता है। ये भी गलत छी, ऐसे ना चल वो, ठीक है, ओनली ये चल वो, समझ गई? तो लिख लो फिर इसको, राइट अंकुल फटाफट जल्दी से। अब बात करेंगे जरा हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे जीतू जी, यहाँ देखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कि ट्रायंगल एंगल्स के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया तीन टाइप्स के, ये भी हमारे तीन टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स के बेस पर ट्रायंगल टाइप है ना। देखो बेटा, पहला क्या बताता आपको? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अभी न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है सर? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल होता है 60 डिग्री से कम का। देखो प्यारे बच्चों, कम से कम एक मिनट सुनो, देखो
एक्विडेंगल क्या है कि एक्यूट एंगल जानते हो आप लोग, कोई बच्चा पता है एक्यूट एंगल? हमने जो, अगर जिन बच्चों को नहीं पता, हमने जब चैप्टर 6 पढ़ाया था आपको, तो उसमें बेसिक लेक्चर में आपको समझाया था मैंने कि एंगल्स के टाइप्स ऑफ एंगल, एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में हो। जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल आए, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, और जब किसी एंगल में हमारे ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो, मतलब तीनों एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटे हो। जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी तीन एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा एक एंगल है मेरे पास 80 डिग्री का, एक एंगल कितने का है 70 डिग्री का, 8 × 7 = 15, अगला कितने हो जाएगा 30 डिग्री का, बताओ। कभी ऐसा हो सकता है, बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल एक्यूट हो, मतलब दो एंगल 90 डिग्री से कम आए और तीसरा 90 डिग्री से बड़ा आ जाए? नहीं हो सकता सर। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री से छोटे आ रहे हैं, तो तीसरा एंगल भी 90 डिग्री से छोटा ही आएगा, है ना। जैसे आप बताइए भाई साहब, कोई एक्यूट एंगल का, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल बताइए आप। सिर्फ 70 के दिशा पे टाइम यार, वही लिखा है। और नंबर नहीं क्या, बाकी नंबर मर गए हैं क्या? 60 डिग्री, 60, 70, 50 बन रहा छी, हमने बोल दिया 60, 70, 50 ऐड करिए, 180 आ रहा है। पर तीन एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटे। जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, का समझे का क्या? हाँ, हम पढ़ाए आपको भेड़, आप सुने हो बकरी। सिंपल बोलिए, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल अक्यूट होते हैं, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल अक्यूट एंगल्स, जिस ट्रायंगल तीनों एंगल अक्यूट होते हैं, है ना, लंबा चौड़ा क्यों क्यों बोले। अच्छा, आपको जो आपके टीचर सोचते हैं आपका नाम ना लिया जाए कि आलोक राठौर और आदित्य चोपड़ा, अमित बड़ाना, आपके नाम ना ले, वो सोचते हैं सिंपल बोलें राउंड नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा, है ना, सिंपल हो जाता है। आलोक राठौर एक मिनट निकल जाता है, अमित बड़ाना इतने में निकल गए 1, 2, 3, जितने में टीचर 5 नाम लेगा उतने में वो 20-25 बच्चों का अटेंडेंस ऐसे बोल देगा टीचर, इसलिए रोल नंबर दिया जाता है आपके, है ना। ऐसे यहाँ पर अब हम बोलेंगे ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री छोटे होते हैं, वो भी ठीक है, सिंपल बोल दो, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। चलिए, दिक्कत आपको, नाराज हो गए हमसे? नहीं हो गए, चलिए सर। ठीक, तो अ ट्रायंगल हैविंग थ्री एक्यूट एंगल, है ना, अ ट्रायंगल हैविंग थ्री एक्यूट एंगल, है ना, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज में तीन न्यून कोण होते हैं, है ना,
उसी का बोलेंगे अक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीन अक्यूट एंगल होंगे, तीनों अक्यूट होंगे, तीनों है ना, तीनों 90 डिग्री छोटे, मतलब जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया भाई साहब। और उसके बाद अगला राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज, क्या होता है देखो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है देखो बेटा, समकोण त्रिभुज ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे भाई साहब ये है ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। अच्छा अब अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, अच्छा ये ना ये साइन होती है 90 डिग्री का, ऐसा बॉक्स ये साइन होता है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो जो बाकी दो बचे हुए एंगल होंगे ना वो भी, अगर ये 90 डिग्री का है तो जो बाकी दो एंगल बच गए वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, और 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते, क्या होंगे छोटे होंगे। देखो जैसे मान लो 90 है, अगला आपने क्या माना 80 माना, क्या माना 80, तो 90 प्लस 80 क्या हो गया 170, जबकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या आता है 180, ये कितना होगा 10, ये 10 डिग्री होगा। जैसे हमने मान लिया एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर ये 90 डिग्री का है, अगर ये एंगल है ये 90 डिग्री का, ठीक है, तो अगर आपने इसको 50 माना, क्या माना 50, 50 डिग्री माना, ये बड़े कितना होगा 40, तो तीनों एंगल क्या रहा है ना, ये 50 था 40 हो गया, तीनों एंगल का सम 180 आ रहा है। तो यानी एक ट्रायंगल में, किसी भी एक ट्रायंगल में ना, और किसी एक ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, तो बाकी जो दो एंगल होंगे ना वो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। भाई किसको दिक्कत है, एनी बॉडी, तो लिखिए a triangle having one right angle, a triangle having one right angle is called right angle triangle, it's called right angle ट्रायंगल। देखो बेटा ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अक्सर कभी कभी एग्जाम में ऐसे, अक्सर कभी कभी क्या होता है, हमें एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि बेटा ये बताइए कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल है तो बाकी दो एंगल क्या होंगे, तो क्या बोलोगे आप, हाँ लेस देन 90, ऐसे बोल दो बाकी दोनों अक्यूट होंगे, चाहे ऐसे बोल दो कि बाकी दो एंगल अक्यूट होंगे, या ऐसे बोल दो बाकी दो एंगल लेस देन 90 होंगे, क्योंकि लेस देन 90 का मतलब ही अक्यूट है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगला हमारे पास ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बोले तो, हाँ अगर बात करें ऑब्टूज एंगल वो होता है जो जीरो डिग्री से क्या होता है, मतलब कोई एंगल एक्स नाम का एंगल कोई ऑब्टूज है तो वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से क्या होगा छोटा। मान लो कोई एक्स कोई एंगल है, एक्स कोई अक्यूट ऑब्टूज एंगल है, ऑब्टूज है तो वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है छोटा, उसे ऑब्टूज एंगल बोलते हैं। अब ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल क्या है,
यानी कि जिस ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्टूस एंगल होता है, जैसे मैंने मान लिया ये एंगल ए है, मैंने मान लिया एंगल ए 100 डिग्री, बट कितना डिग्री? 100 डिग्री, ठीक है, ये ऑब्टूस एंगल है। अच्छा, बाकी मैंने कहा एक एंगल है 50 और एक एंगल है 30। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा दिखता है, या यू बोले और किसी भी ट्रायंगल में आपको एक एंगल ऑब्टूस एंगल दिखता है, इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। अच्छा बेटा, आप बताइए कैसे हो सकता है। जैसे मगर आपको पूछूं कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने अक्यूट एंगल हो सकते हैं? अक्यूट, हाँ, तीन हो सकते हैं, तीन अभी तक थे अक्यूट एंगल ट्रायंगल में थे। एक एंगल में, किसी एक ट्रायंगल में मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने राइट एंगल हो सकते हैं? एक, एक नब्बे डिग्री हो सकता है। आप बताइए एक ट्रायंगल में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ऑब्टूस एंगल हो सकते हैं? एक। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक ट्रायंगल में दो एंगल 90 से बड़े हो जाएं? नहीं हो सकता भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता? एक मिनट, किस वजह से? जैसे मैंने कहा एक ट्रायंगल में दो एंगल, जैसे एक ये 100 डिग्री है, कभी ऐसा हो सकता है मैंने एक ट्रायंगल बनाया तो इसके दो एंगल ऑब्टूस हो जाएं, मतलब दो एंगल 90 से बड़े हो जाएं? क्यों? हाँ, जैसे मैंने कहा एक नहीं, दोनों, जैसे ऑब्टूस 90 से बड़ा होता है, पर जैसे यहाँ पर दो एंगल 90 छोटे हैं, यहाँ पर तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, पर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दो एंगल 90 से बड़े हो जाए, हो सकता है भाई साहब? हो सकता है, क्यों? जैसे मान के चलो मैंने कहा ये एंगल है 91 डिग्री का, कितने डिग्री का? 91 डिग्री सर, 90 से बड़ा है। और मान लो ये भी 90 से बड़ा है, इसको मान लो आपने 92, क्या मान लिया? 92, ठीक है, कितना आ रहा है? 183। तो भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल से तो 180 आता है, ये यहाँ पर क्या करने आया है? ये 0 डिग्री थोड़ा ना हो सकता, तो इन दोनों का सम ही 180 ज़्यादा आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, है ना। तो एक हम क्या सीखे कि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही अक्यूट एंगल हो सकता है, यानी अगर एक ट्रायंगल में एक अक्यूट एंगल है, अगर किसी ट्रायंगल में एक अक्यूट एंगल है तो दो एंगल क्या होंगे? ऑब्टूस। ओह सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, माफी चाहते भैया, माफी, ये हम जानबूझ के बोले थे ताकि तुम हमारी गलती पकड़े। ये हम चेक कर रहे तुम्हें, हम लगता ये लड़का सब पढ़ रहा है, ध्यान दे रहा है लड़का सब, ये ध्यान दे रहा है। ये क्या बोले हम? अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्टूस है, एक एंगल ऑब्टूस है, तो बाकी दो ट्रायंगल क्या होंगे? बाकी दो एंगल क्या होंगे? अक्यूट होंगे, ठीक है। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अ ट्रायंगल हैविंग वन ऑब्टूस एंगल, अब ट्रायंगल हैविंग वन ऑब्टूस एंगल इज कॉल्ड ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग वन ऑब्टूस एंगल इज कॉल्ड ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तुम बोलो क्या बोल रहे हो आप, हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं कोई यहाँ पे? चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा होता है, या ऐसे बोलें जिस ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्टूस एंगल होता है यानी 90 से बड़ा, उसे बोलते हैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। किसी भाई साहब को कुछ दिक्कत पीछे बेटा? एनीबडी एनी टाइप डाउट? इफ यू हैव नो डाउट प्लीज राइट डाउन दिस।